नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा और आज हम बात करेंगे दांतों में पनपते पीलेपन के बारे में। बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेरी होती है कि हम रोज प्रॉपरली ब्रश करते हैं, उसके बावजूद हमारे दांतों का रंग पीला क्यों है? क्या आपको भी ये दांतों के पीलेपन की समस्या है? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कारण से, दांतों की लेयर्स का घिसना। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक दांत की तीन लेयर्स होती हैं, एनामल, डेंटीन और पल्प। जो एनामल लेयर होती है वो बाहरी सतह होती है और जो जनरली सफेद होती है। अंदर की लेयर डेंटीन वो जनरली पीली होती है। जैसे जैसे ऊपर की सतह एनामल लेयर घिसती है और अंदर की डेंटीन लेयर दिखने लगती है, वैसे वैसे हमारे दांतों का रंग पीला लगने लगता है। दांतों के घिसने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, खाना चबाना। जब हम खाना चबाते हैं तो जो हमारी फेशियल मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो हमारे जबड़े की हड्डी पे बहुत सारा प्रेशर डालती हैं कि हमारे दांत हमारा खाना ठीक से चबा सके। साथ साथ धीरे धीरे हमारे दांतों की सतह वो घिसने लगती है, फ्लैट होने लगती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे बुजुर्गों में दांतों का रंग ज्यादा पीला होता है एज कंपेयर टू यंगर जनरेशन। दूसरा रीजन होता है दांतों का पीसना। बहुत लोगों को रात को सोते वक्त दांत पीसने की हैबिट होती है। उनको खुद पता नहीं होता कि वो रात को सोते वक्त दांत को पीस रहे होते हैं। अब इस हैबिट की वजह से उनके दांतों की सतह जल्दी फास्टर घिसने लगती है, जिससे कि उनको सेंसिटिविटी की इश्यू हो सकती है, हेडेक की इश्यू हो सकती है और दांतों में पीलेपन की इश्यू होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई हैबिट है दांत पीसने की, तो अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करें। डेंटिस्ट आपको एक प्लेट बना के देंगे जिसको हम नाइट गार्ड बोलते हैं। आपको रात को सोते वक्त उस प्लेट को पहन के सोना है, जिससे कि जब आप रात में दांत को पीसेंगे तो दांतों पे फोर्स कम पड़ेगा और आपके दांत कम घिसेंगे। अगला रीजन है दांतों में किसी शार्प ऑब्जेक्ट का डालना, जैसे कि टूथपिक, पेन या पेंसिल और हेयर पिन। अगर आप कंटिन्यूअसली अपने दांतों पे कोई ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगाते रहेंगे तो इससे आपके मसूड़े और आपके दांत दोनों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके मसूड़े आपके दांत को छोड़ के नीचे हो जाते हैं, जिससे कि आपके दांतों की अंदर की सतह दिखने लगती है और आपके दांत पीले लगते हैं, या आपके दांत उसके आउटर सरफेस जो है वो चिप ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट है तो काइंडली उस हैबिट को छोड़ दें। अगर दांतों में खाना फंसता है तो उसके लिए टूथपिक का इस्तेमाल ना करके फ्लॉस का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं दूसरे कारण पे, खाना। जो खाना हम खाते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो खाना हमारे कपड़ों को स्टेन कर सकता है, वही खाना हमारे दांतों को भी स्टेन कर सकता है। खाना जैसे हल्दी, कॉफी, टी, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, आइसक्रीम्स और बहुत सारे अन्य खाने जो हमारे दांतों को स्टेन कर सकते हैं। एक स्टडी में यह पाया गया है कि जो चाय दूध मिला के बनती है वो हमारे दांतों को नुकसान कम पहुंचाती है, वो हमारे दांतों को डिस्कलर कम करती है एज कंपेयर्ड उस चाय के जो बिना दूध के बनती है। तो अगर आप चाय के शौकीन हैं तो जनरली दूध वाली चाय पिए। इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक, ये ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जो एसिडिक होती हैं नेचर में, तो ये हमारे ऊपर की सतह को हटाने लगती हैं, जिससे कि हमारे जो अंदर की डेंटिन लेयर है वो दिखने लगती है। ऐसे लोगों में दांतों में सेंसिटिविटी की भी दिक्कत हो सकती है और दांतों के पीलेपन की भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉफी और टी का सेवन कम करें। अगर चाय लें तो जनरली दूध वाली चाय लें। दूसरा, फिजी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक अवॉइड करें यूज करना। तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी खाएं दिन भर में उसके बाद कुल्ला जरूर करें। नॉर्मल प्लेन वाटर से अपने मुंह का कुल्ला जरूर करें। अब जानते हैं दूसरे रीजन को, दांतों की प्रॉपर साफ सफाई ना रखना। हम अपने दांतों की और मुंह की प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखेंगे, ब्रश करके, फ्लॉस करके, रिंस करके, तो हमारे दांतों की सतह पर डेंटल प्लाक नाम की एक लेयर जम जाती है। डेंटल प्लाक एक
चिपचिपी कलरलेस लेयर होती है जो हमारे दांतों पे बनती है, किससे? लार, जो खाना पीना हम खाते हैं, और ढेर सारे बैक्टीरिया से मिलके। डेंटल प्लाक हमारे दांतों को एक पीलापन दे जाती है, और अगर डेंटल प्लाक की लेयर कंटिन्यूअसली बिल्ड होती गई तो हमारे दांतों को और नुकसान पहुंचाती है। हमारे दांतों में कैलकुलस और टार्टर जमा हो सकता है। ये कैलकुलस और टार्टर हमारे ब्रश करने से नहीं जाता है, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के थ्रू ओरल प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। कुछ चीजों का ध्यान रखें अपने दांतों और मुंह की साफ सफाई बनाए रखने के लिए। पहला, 2 टाइम ब्रश जरूर करें, सुबह और रात को सोने से पहले। कुछ भी खाने पीने के बाद कुल्ला जरूर करें प्लेन वाटर से। हफ्ते में 3 से 4 बार माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। दांतों में फंसे खाने को निकालने के लिए प्लीज फ्लॉस का इस्तेमाल करें, टूथपिक का नहीं। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, स्मोकिंग, धूम्रपान। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके दांत अक्सर पीले होते हैं। टोबैको में एक सब्सटेंस होता है निकोटीन एंड टार, जो दांतों को पीलापन देता है। दांतों में पीलापन के अलावा टोबैको हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंह के कैंसर का मेन रीजन टोबैको होता है। तो अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं किसी भी प्रकार में, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट या बीड़ी, या नॉन स्मोकिंग जैसे पान, मसाला, गुटखा, सुपारी, तो आज ही इनका सेवन रोक दें, या एटलीस्ट कोशिश करें इनको धीरे धीरे छोड़ने की। अब चलते हैं आगे, मेडिकेशंस, दवाइयां। ये पाया गया है एक स्टडी में कि कुछ बीमारियों की दवाइयां हमारे दांतों को पीलापन दे जाती हैं। बीमारियां जैसे डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, कैंसर, एलर्जीज। तो अगर आप ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो अपने दांतों की खासकर साफ सफाई रखें। अगर आपको लगता है कि इन दवाइयों के सेवन करने से आपके दांतों में पीलापन बढ़ने लगा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अपने डेंटिस्ट को साल में एक बार या 6 महीने में एक बार जरूर दिखाएं और अपने दांतों की जांच प्रॉपर कराएं। अगर वो आपको किसी इलाज के लिए बोलता है तो वो इलाज जरूर लें। चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइल। नमस्कार।